20 साल बाद अमेरिका से आखिरी फौजी भी निकल गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का अपने कमांडर से इजहार तशक्कुर कहा। 17 रोज में अमेरिकी फौज ने तारीखी हवाई ऑपरेशन किया। बैरूनी तसल्लुत के खिलाफ तालिबान की कामयाबी का आखिरी हदफ हासिल कर लिया। अफगानिस्तान अमरीकी तसल्लुत से मुकम्मल आज़ाद हो गया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ऐलान किया है कि काबुल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। बलूचिस्तान के इलाके मस्तोंग में सीटीडी का बड़ा एक्शन। कालादम तंजीम के 11 दहशतगर्द मारे गए। मुबैना दहशतगर्दों के कंपाउंड से असलहा और गोला बारूद बरामद। लाहौर के थाना मांगा मंडी की हदूद में डाकू से मुकाबले में 2 पुलिस अहलकार शहीद। डाकू फरार हो गए। शहीद कांस्टेबल आदिल शाह और इबाद की मैयतों को पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में कोरोना के वार तेज। एक दिन में हलाकतों में दुगना इजाफा। 24 घंटे में 118 अफराद इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक 3838 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 7.36% रही। और आवाम के लिए अच्छी खबर। कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए कमी का इम्कान। ओगरा ने समरी हुकूमत को भेज दी पेट्रोल की कीमत 3.5 रुपए कमी की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे।